अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है ऑडी ई ट्रॉन 2022 मॉडल 50 क्वाट्रो। ये ऑडी ई ट्रॉन की फर्स्ट जनरेशन ही है जो कि वर्ल्ड वाइड 2019 से आना शुरू हुई थी और ये गाड़ी अभी तक आ रही है। ये स्पेसिफिक कार 2022 मॉडल है और ये गाड़ी पाकिस्तान में भी ऑडी ऑफर करता है। ये गाड़ी भी ऑडी इम्पोर्ट ही है और इस स्पेसिफिक गाड़ी में हर वो फीचर लिया गया है जो कि ऑडी ऑफर कर सकती है, जैसे कि इसमें क्रूज कंट्रोल अडॉप्टिव आता है, इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं, रिम 21 इंच की है इस गाड़ी में, और फिर इस गाड़ी में सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी हैं, इंटीरियर में भी बहुत सारी फ्रिल्स आती हैं जो कि मैं सब कुछ कवर करूंगा अभी। ई ट्रॉन के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इस गाड़ी में इंजन आता ही नहीं है, ये गाड़ी फुल इलेक्ट्रिक है। आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे और फिर चलाएँगे, और इसकी अगर चार्जिंग कॉस्ट देखी जाए तो एक फुल चार्ज आपको तकरीबन 1000-1200 रुपये कॉस्ट करता है, जो कि मेरे ख्याल से ना होने के बराबर है। और उसमें ये गाड़ी 200 से 300 के बीच में चल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, और आप एसी या हीटर या कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे इसके ऊपर इसकी रेंज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये गाड़ी ऑन एवरेज आपको तकरीबन 300 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है विदाउट एसी या विदाउट हीटर। हीटर पे ये गाड़ी तकरीबन 250 आ जाती है। ये सारी स्टैट्स मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। खैर, रनिंग कॉस्ट के लिहाज से ये गाड़ी आपको तकरीबन मुफ्त पड़ती है, लेकिन जहाँ बात की जाए प्राइस की तो ये गाड़ी 3 करोड़ 20 लाख की है। 3 करोड़ 20 लाख भरने वाले को पेट्रोल अफोर्ड करना भी इतना मुश्किल ही लगता होगा, लेकिन स्टिल अगर आप 3 करोड़ 20 लाख इस गाड़ी पर भरते हैं तो फिर आपको इसको रनिंग की कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ेगी। ये गाड़ी सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, 3 करोड़ 20 लाख की है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप फिर सीए के नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसे कि टिंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, फेसलिफ्ट्स। उसके बाद यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अलॉय रिम्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर्स, बोनट वगैरह सब कुछ। और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों के काम के लिए साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये ऑडी ई-ट्रॉन 50 क्वाट्रो का फ्रंट लुक है जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत मज़ेदार है। ये गाड़ी पूरी ही बड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। अगर बात की जाए इसके फ्रंट पे फीचर्स की तो फीचर्स गाड़ी में सारे लिए गए हैं जो कि ई-ट्रॉन ऑफर कर सकती है, जैसे कि इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इसमें फ्रंट पे कैमरा भी दिया गया है, इसमें 4 कैमराज हैं एक्सटीरियर पे जो कि मैं कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा इसकी हेडलाइट भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे एंड नाइट को सेंस करके ऑन ऑफ भी होती हैं, प्लस ये ऑटो लेवलिंग भी हैं। और इसके अलावा इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो इसकी जो ग्रिल है ये बंद ही है। यूजली गाड़ियों में प्रॉपर यहाँ ग्रिल आती होती है और उसकी वजह ये होती है कि उनमें इंजन होता है, इंजन यहाँ से आवाज़ तक करता है, बट इस गाड़ी में क्योंकि इंजन है ही नहीं तो ये ग्रिल बंद है। बाकी यहाँ पे ऑडी वगैरह की बैचिंग दी गई है, नीचे एक एयर कंडक्ट दिया गया है, और स्पेसिफिक कार में हेडलाइट स्प्रिंकलर भी आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी अग्रेसिव है। इसमें रिम 21 इंचेस के आते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन 21 इंचेस का रिम लेक्सस LX570 में आता है जो कि साइज़ के लिहाज से इससे बहुत बड़ी है, बट ये गाड़ी नॉर्मल साइज़ की होते हुए भी इसमें रिम इतने बड़े दिए गए हैं जो कि इसकी लुक में बहुत अच्छा टचट करते हैं। इसके अलावा इसके साइड पे ई-ट्रॉन की बैचिंग दी गई है और एक ब्लैंक पोर्ट दिया गया है। ड्राइवर की साइड पे इसका चार्जिंग पोर्ट आता है जहाँ से आप इसको चार्ज करेंगे। इसके अलावा साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, हीटेड, और इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं, प्लस इनमें कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देते हैं। फिर इसके डोर हैंडल्स के अंदर सॉफ्ट अनलॉक आता है दोनों ही साइड्स पे, इसको आप यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसकी विंडोज़ के आसपास वही क्रोम वगैरह कंटिन्यू करता है। अगर बात की जाए सेगमेंट की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। लेंथ में ये गाड़ी तकरीबन फॉर्च्यूनर जितनी है, लेकिन हाइट में ये गाड़ी हैवाल S6 वगैरह या MGHS वगैरह जितनी है। इसकी हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी लेंथ क्योंकि ज़्यादा है तो इसकी लुक बड़ी ब्रॉड सी आती है। फिर इसके 21 इंचेस का रिम है और इसमें SUV वाले टच ऐड करने के लिए ये एप्रन्स भी कंटिन्यू करते हैं पूरी ही बॉडी में। फिर इसमें ई-ट्रॉन की वेलकम लाइट्स भी आती हैं, इसकी डोर सिल्स भी इल्यूमिनेट करती हैं, और इसके जो रियर फेंडर्स हैं ये डेफिनेटली दोनों साइड्स के ब्लैंक ही आते हैं। यहाँ पर कोई फ्यूल डोर नहीं दिया गया क्योंकि डेफिनेटली इसमें फ्यूल नहीं डलता, ये गाड़ी चार्ज होती है, और इसका चार्जिंग पोर्ट जो है वो फ्रंट पे राइट पे दिया गया है। फिर इसमें रूफ रेल्स आती हैं सिल्वर कलर की, इसकी लुक में SUV वगैरह चेक करने के लिए क्वार्टर ग्लास आते हैं, और इस पर जो एल्युमिनियम के फ्रिल्स हैं ये भी काफ़ी थिक हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी पूरी ही कार की तरह बहुत एग्रेसिव है, लेकिन इसकी जो टेल लाइट्स हैं मेरे ख्याल से ये इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट हैं। एक तो ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, और ये गाड़ी वो पहली कार थी जिसने इस तरह की टेल लाइट्स देना शुरू की थी, और इलेक्ट्रिक कार्स के ट्रेंड भी इसी कार ने सेट किए हैं। ये टेल लाइट्स ऑन भी बड़े मज़े के तरीके से होती हैं। इसके बाद इसमें यहाँ पर साइड पे कर्व्स दिए गए हैं जैसे कि फ्रंट हेडलाइट्स में भी आते हैं। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, रियर फॉग भी आती हैं, विंडशील्ड वॉशर भी आता है, स्पॉइलर भी दिया गया है ब्रेक लाइन के साथ। और इसके अलावा बैक पे इसकी बैचिंग दी गई है ई-ट्रॉन 50 क्वाट्रो की। क्वाट्रो का मतलब यह है कि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, और 50 का मतलब यह है कि ये गाड़ी 250 से 300, 350 के बीच में वेरी करती है। इसके अलावा इस गाड़ी का ट्रंक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक आता है, इसको आप यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं, और इसके की फॉब भी रिलीज़ दिया गया है।
टेलगेट का ऑल द वे अप जाता है और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है। आप यहाँ पे 4 से 5 लोगों का सामान बड़ा इजीली रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार होते हुए भी इसमें स्पेयर व्हील दिया गया है और इसके अलावा इसमें एक स्प्लिटर आता है जिसको आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और इस गाड़ी की रियर बेंचेस को भी आप यहीं से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। इसकी सेकंड रो सीट्स BCC40 के स्प्लिट के साथ हैं। यहाँ पे दिए गए लेवर से आप इनको अनलॉक करके ड्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस। टेलगेट को बंद करने के लिए यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं, एक तो बंद करके गाड़ी को लॉक करने का और एक टेलगेट बंद करने का। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, टोयोटा ई-ट्रॉन का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। ये ब्रूनो और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, प्लस इसमें स्क्रीन भी बहुत सारी दी गई हैं, जैसा कि इस गाड़ी का मीटर भी स्क्रीन है, फिर इसका मेरी डिस्प्ले भी स्क्रीन है और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी इसमें एक अलग से रेंज रोवर की तरह स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बड़ा इनकन्वेंशनल सा है और इसमें फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसा कि एक तो इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है इलेक्ट्रिक कार में, और इसके अलावा इसका डिज़ाइन भी थोड़ा अनकन्वेंशनल सा है। ये 4 स्पोक है और सारा ही लेदर की फिनिश में है, और इसके अलावा इस गाड़ी में एयरबैग भी टोटल 13 आते हैं, 13 एयरबैग जो कि इसको काफ़ी सिक्योर बनाते हैं। फिर इस गाड़ी में स्पीकर भी बहुत सारे आते हैं जो कि मैं भी कवर करूंगा आगे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी के मीटर का भी आप व्यूज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लाइक दिस। इसके गेजेस छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, प्लस यहाँ पर ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक की स्टैट्स भी शो करवाती है इसकी। इसके अलावा इसमें जो क्रूज़ कंट्रोल है ये स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है और स्पेसिफिक कार में ये अडॉप्टिव है। इसके अलावा इसमें मोस्टली जर्मन कार्स की तरह इंडिकेटर के कंट्रोल लेफ्ट पे दिए गए हैं और वाइपर्स के कंट्रोल राइट पे दिए गए हैं। इसकी हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए राइट पे बटन दिया गया है और इसका डिस्प्ले भी स्क्रीन के अंदर ही आता है। इसके मोस्टली जो बटन हैं ये सब टच में हैं, लेकिन इनकी कमांड तब होती है जब आप इसको प्रेस करते हैं, सिर्फ टच से इसके फंक्शन ऑन नहीं होते। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इसका बहुत ज़्यादा कन्फिगर कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर ये मोस्टली यूजुअली चीज़ें शो करवाता है जो कि हर कार में आती होती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बड़ा मज़ेदार है। ये बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स में हैं और इसके सिर्फ डैशबोर्ड के अंदर ही 3 स्पीकर दिए गए हैं, 2 ट्विटर और 1 सबवूफर। फिर इसके पिलर में स्पीकर आते हैं, 2 पैनल में स्पीकर आते हैं। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में बैंग एंड ओलेसन का है जो कि प्रीमियम साउंड सिस्टम है और इसमें कलेक्टिवली 18 स्पीकर आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए एयरवेंट्स की, तो एयरवेंट भी इस गाड़ी में बहुत सारे दिए गए हैं और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी 4 जोन आता है। इलेक्ट्रिक कार्स में क्लाइमेट कंट्रोल में एक चीज़ डिफरेंट आती है और वो ये है कि अगर आप इस गाड़ी का हीटर ऑन करते हैं तो इसकी रेंज बहुत कम हो जाती है। कन्वेंशनल कार्स में हीटर ऐसे वर्क करता है कि रेडिएटर का जो गर्म पानी होता है वो हीटर की कॉइल्स के अंदर रोटेट करता है और हीटर की कॉइल्स गर्म होने से गाड़ी गर्म हवा थ्रू करती है अंदर। बट इस कार में क्योंकि रेडिएटर है ही नहीं, तो इसमें हीटर इलेक्ट्रिक आता है। जब इलेक्ट्रिक हीटर ऑन होता है तो डेफिनेटली पावर कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, जिससे इसकी रेंज कम हो जाती है। विदाउट एसी गाड़ी 290 की एवरेज शो करवा रही है, विद एसी गाड़ी तकरीबन 257 की एवरेज दे रही है, जबकि विद हीटर ये गाड़ी ड्रास्टिकली कम होकर तकरीबन 220-200 पे आ जाती है, जो कि बहुत मैसिव फ़र्क है। बाकी इसमें ये ट्रॉन की बेजिंग वगैरह दी गई है, ये इसमें सेंट्रिक में वुड की ट्रिम्स आती हैं। और अगर बात की जाए इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो ये भी बहुत फीचर रिच है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ आता है, प्लस यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है। इसमें नेविगेशन भी आता है और इसमें मोस्टली कंट्रोल्स सिर्फ टच से नहीं चलते, ये मोस्टली स्क्रीन बेसिकली प्रेशर सेंसिटिव हैं, इन पर आप जैसे ही प्रेस करते हैं तब ये कमांड लेती हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। फिर यहाँ पर आप गाड़ी की डिफरेंट चीज़ों को कन्फिगर कर सकते हैं, जैसा कि गाड़ी की एमबी लाइटिंग आप चेंज कर सकते हैं, इस गाड़ी की सीट्स के फंक्शन यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, पार्किंग गेट्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर इसमें एसी की सेटिंग्स वगैरह, लाइट्स, नाइट विजन, एमबी लाइटिंग के कलर्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस गाड़ी में एमबी लाइटिंग भी आती है और इसके भी 31 अलग अलग कलर्स हैं, अगेन ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी को ऑन करता हूँ तो इसकी कोई साउंड नहीं आती, जस्ट ये आपको रेडी का साइन शो करवाती है। अगर बात की जाए क्लाइमेट कंट्रोल की स्क्रीन की, तो ये प्रॉपर एक रेंज रोवर की तरह की यहाँ पे स्क्रीन है। क्लाइमेट कंट्रोल के अलग अलग जोन्स दी गई हैं इसमें और इसकी चारों जोन्स को भी आप यहीं से बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको इसकी इलेक्ट्रिक स्टैट्स भी शो करवाती है, इसकी ऊपर वाली स्क्रीन को आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और उसके अलावा इसमें एक एसी मैक्स का ऑप्शन भी दिया गया है, इससे ये एसी मैक्सिमम पे कर देती है, लेकिन इसकी रेंज काफ़ी हद तक इफेक्ट हो जाती है। ये स्क्रीन लगती तो बहुत मॉडर्न है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी अनॉइंग लगी है, वो ये है कि इसका टेम्परेचर राइज करने के लिए मुझे टैप 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 करना पड़ेगा, मतलब मैं सीधा इसको हाई पे ही ले जा सकता, मुझे हमेशा इसको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब सी चीज़ है। अगर बात की जाए रेंज की, तो ये गाड़ी आपको एक फुल चार्ज में तकरीबन 320-330 तक की रेंज दे सकती है, अगर आप इसको एसी या हीटर के बगैर चलाएंगे तो। फिलहाल ये गाड़ी 87% चार्ज है और 87% पे ये गाड़ी 257 की रेंज शो करवा रही है विद एसी। विदाउट एसी ये गाड़ी 297 की रेंज शो करवाती है और विद हीटर ये गाड़ी 220 की रेंज शो करवाती है। तो ये रेंज इस तरह से वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द मोड्स, और इसके अलावा उससे नीचे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि पार्किंग एड का। इसमें 360 कैमराज आते हैं जो कि आपको यहाँ पे हर तरफ का व्यू देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बाकी सारे कंट्रोल्स टच में हैं।
यहाँ पे ड्राइव स्ट्रक भी दिया गया है ऑडी का, और इसमें टोटल 5 मोड्स दिए गए हैं, एक तो ऑफ रोड, फिर ऑल रोड, फिर एफिशिएंसी, कंफर्ट और ऑटो। ये सारे मोड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, और इस गाड़ी में एयरबैग सस्पेंशन भी लिया गया है। इन मोड्स के लिहाज से ये गाड़ी अपनी हाइट को भी एडजस्ट करती है, तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया गया है, और इस गाड़ी का गियर लेवल भी थोड़ा अनकन्वेंशनल सा है। ऐसा गियर लेवल मैंने पहली बार देखा है किसी कार में। इस पे की काफ़ी बड़ी सारी ग्रिप दी गई है, और इसके साथ गियर लेवल इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको आप आगे पीछे करके डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके साथ यहाँ पर पार्किंग ब्रेक दी गई है, स्टोरेज एरिया दिया गया है, और ये इसका सेंटर कंसोल जो कि कैपेसिटी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, आप यहाँ पे अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आएगा। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये ब्रूनो क्रॉस इंटीरियर है, इसमें क्रॉस स्टिचिंग दी गई है जो कि बड़ी मजे की लग रही है, और इसकी सीट्स मोस्टली ब्रूनो कलर में है। ये दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, और इनमें लंबर सपोर्ट भी 4-way वाला आता है। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक रूफ भी दी गई है, जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं, और इसमें केमिन लाइट्स भी टच में आती हैं। इसके अलावा इसका रेव्यू मिरर भी ऑटोडिमिक वाला आता है, प्लस इसमें ड्राइवर की सीट मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, और इस स्पेसिफिक कार में सॉफ्ट क्लोज वाला फीचर भी लिया गया है, यानी कि अगर मैं इस गाड़ी के डोर को आधा बंद करूँगा तो ये बाकी खुद बंद होगा लाइक दिस। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो 3 लोगों के लिए जगह सफिशेंट है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, और हेड रूम का भी, क्योंकि ये गाड़ी मिड साइज SUV है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, जैसा कि एक तो इस गाड़ी में प्राइवेसी ब्लाइंड्स आते हैं, जिनको आप इस तरह से ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद इस गाड़ी में एयरबैग्स भी बहुत सारे आते हैं, इसके पिलर्स में भी एयरबैग्स दिए गए हैं, पैसेंजर्स के पाँव में भी दिए गए हैं, और फिर सेंटर में भी दिए गए हैं, और यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन्स दी गई हैं। इनको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जोन्स हैं टच में, इसका टेम्परेचर भी आप टच से रेस करेंगे, और लोअर भी आप टच से ही करेंगे। इसके अलावा अगेन यहाँ पर डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, फेस का, फीट्स का, और इनको फिर आप ऑटो पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में इसके एक सेंटर को सो दिया गया है, जिसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स आते हैं, जैसा कि यूजली हर ऑडी में आते होते हैं। और फिर यहाँ पे ये स्टोरेज एरिया भी दिया गया है। बाकी बैक पे अगेन इसकी लाइट्स दी गई हैं, जो कि टच पे नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पे पैनोरामिक रूफ का एक थोड़ा सा एरिया आता है, जो कि रियर पैसेंजर का भी अच्छा बना रहा है। इसके अलावा ये सीट्स फोल्डेबल हैं, यहाँ पर एयरबैग्स के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, क्वार्टर ग्लास आते हैं, एयरबैग्स भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये वो पॉइंट है जहाँ मैं यूजुअली बोलता हूँ कि अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है। तो अगर बात की जाए इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें जो बैटरी आती है ये 70 kW की होती है, 71 kW, लेकिन इसका जो यूजेबल कैपेसिटी होती है वो 65 kW होती है। अगर बात की जाए इसकी रेंज की, तो ये गाड़ी विद AC आपको तकरीबन 250 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, 250 से 260 तक की, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसका AC ऑफ करते हैं तो ये गाड़ी 320 तक भी चली जाती है। अगर आप इसका हीटर ऑन करते हैं तो ये गाड़ियाँ हीटर पे ज़्यादा बिजली लेती हैं, और हीटर पे ये गाड़ी आपको तकरीबन 220 से 200 तक की रेंज शो करवाती है। अब अगर बात की जाए इसकी चार्जिंग स्पीड की, तो ये गाड़ी एक पूरी रात लेती है, ओवरनाइट ही चार्ज होती है, और लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि आपको इसको रोज़ रात को चार्ज करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। ये गाड़ी जब एक बार चार्ज होती है तो इसकी रेंज 320 तक चली जाती है। अब 320 किलोमीटर अगर आप जितने टाइम में कंज्यूम करेंगे, उतने ही टाइम के बाद आपको चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपकी डेली कम्यूट 40 से 50 किलोमीटर है, जो कि अच्छी खासी है, तब भी आपको इस गाड़ी को वीक में हार्डली एक दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि पूरे हफ्ते में आप सिर्फ इसको एक रात चार्ज करें और फिर आगे पूरा हफ्ता चलाएं। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसकी एक फुल चार्जिंग की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1200-1300 रुपये पड़ती है, और उसमें ये गाड़ी तकरीबन पूरा हफ्ता निकाल जाती है, जबकि फ्यूल वाली गाड़ी में आपके दिन के पेट्रोल की कॉस्ट इतनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए इस कंपार्टमेंट की, तो ये जो ऊपर कंपार्टमेंट दिया गया है, इसमें इसका चार्जर दिया गया है, ये इसका आम होम चार्जर है, और इसमें चार्जिंग की भी 2 अलग अलग ऑप्शन आती हैं। ये Type 2 चार्जर है, जो कि घर में चार्ज करता है इस गाड़ी को, फिर इस गाड़ी में एक सुपर फास्ट वाला ऑप्शन भी आता है। आप अगर इसको सुपर फास्ट चार्जर पर चार्ज करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन उससे ये गाड़ी हार्डली 1.5-2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है 0 से 100 तक। ये इसका हाउस होल्ड सॉकेट है, ईट्रॉन वगैरह की बैजिंग दी गई है इस पर, और इसके अलावा इस कंपार्टमेंट के अलावा जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिनको आप समझते हो, इनको बेसिकली ऑडी ही ऑपरेट करती है। और इसके अलावा इस गाड़ी में कोई मैकेनिकल पार्ट्स हैं ही नहीं इतने, तो इसमें जो चीज़ें चेंज होती हैं वो सिर्फ इस गाड़ी की ब्रेक्स और इस गाड़ी के टायर हैं, और इसमें लिक्विड भी सिर्फ एक ही डलता है, और वो है हेडलाइट वॉशर और विंडशील्ड वॉशर का। इसके अलावा इसमें कोई लिक्विड भी नहीं डलता, तो नो ऑयल चेंज की कॉस्ट, नो फ्यूल कॉस्ट, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, कोई इसमें उसराई कॉस्ट है ही नहीं। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और अगर आपने घर पर सोलर लगाया हुआ है तो ये गाड़ी आपको मुफ्त की पड़ेगी। आप सोलर पर फ्री बिजली बनाएं, उसी फ्री बिजली पर इसको भी चार्ज करें, घर भी चलाएं। तो अगर आप सोलर लगा के इलेक्ट्रिक कार ले लेते हैं, तो आप लाइक वापडा पेट्रोल वगैरह से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएंगे। तो ये अगेन
एक बड़ी मजे की चीज़ है। बाकी ये बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसमें कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई, लेकिन होने का पर्पस भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ना हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, ना नॉइस प्रोड्यूस होती है, तो इंसुलेशन लगा के क्या करना है। इसका बोनट अंदर से बिल्कुल बेसिक साइज है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर बात की जाए टायर साइज की, तो टायर साइज जो होता है इस गाड़ी में ये है 265, 45 और 21। इस गाड़ी में 21 इंच का रिम दिया गया है, जो कि साइज़ के लिहाज से बहुत ह्यूज है। ऐसे रिम्स बहुत बड़ी एसयूवीज में आते हैं, जैसे कि लेक्सस 570 वगैरह या 600 वगैरह, बट इसमें भी रिम इतना बड़ा दिया गया है, जो कि इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ऑलवील डिस्क ब्रेक आती है, इसकी डिस्क इटसेल्फ भी बहुत ह्यूज है। ये गाड़ी एक्सेलरेशन के लिहाज से बहुत क्विक है, 6.8 सेकंड में ये गाड़ी 0-100 जाती है, लेकिन इस स्पीड के साथ इसको इस तरह की ब्रेकिंग भी चाहिए, जो कि इस गाड़ी में दी गई है। ये गाड़ी रुकती भी उसी तरह से ही है। फिर टायर ब्रिजस्टोन का है, और उसके अलावा इस गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बहुत अच्छा बनाती हैं, जैसे कि एयर सस्पेंशन, आप इसकी राइड को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी में और भी ऐसे बहुत सारे फीचर आते हैं जो कि इसकी राइड को बहुत सिक्योर बनाते हैं। प्लस इसमें एक ये डक्ट दिया गया है एयर का, इसके फ्रंट बम्पर से हवा इसके अंदर फीड होती है और यहाँ से बाहर आती है, जो कि इसके एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे बिल्कुल ब्लैंक आती है, और इसके फ्रंट पे लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज दिया गया है, और नीचे ऑडी का साइन दिया गया है। और इसके अलावा इसकी की काफ़ी स्किनी सी है, अगर ये थोड़ी सब्सटेंशियल होती मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट वेट इस गाड़ी की का अच्छा है। ये था आज का रिव्यू, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।